बोलता ही नहीं सर रिलेशन खत्म हो गया था। प्रॉब्लम्स बनाए थे, अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, ट्राई कर। यस सर, प्रॉब्लम्स भी कराए थे आप। बुकलेट मिल गया था ना? नो सर। एक प्रॉब्लम ये एनटीए के टेस्ट पेपर में पूछा गया है, ट्राई करो। इफ आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, ये कंडीशन दिया हुआ है ऑन एक्स एंड वाई पे। ये रिलेशन इन जेड, देन डोमेन ऑफ आर इज, बताओ क्या होगा? ऑप्शन यहां दे देता हूं, जीरो वन टू, सेकेंड ऑप्शन जीरो माइनस वन माइनस टू, थर्ड ऑप्शन माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, एंड लास्ट नन ऑफ दिस। बताओ सॉल्व करना। हाँ इवनिंग सर, अभी तक सर आप कितना पढ़ा दिए? स्टार्टिंग किया हूँ। ठीक है सर। सर सेट में सीक्वेंस से मतलब फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं नहीं तब सर सी होगा। ऑप्शन सी, गुड। अभी सही है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, एक बार देख लो सॉल्यूशन सही है कि नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, रिलेशंस जो डिफाइंड किए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड किया गया है ना? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं जिसमें एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में रखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, कंडीशन ऑन एक्स एंड वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। सो वैल्यू क्या है इसमें फाइंड करने बोला गया है, डोमेन ऑफ आर मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई बनेगा उसका x का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का यहाँ पे वैल्यू इंटीजर रखना है तो जीरो ले सकते हो, जब जीरो रखोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएंगे जो इंटीजर हो, तो देखो x का जो वैल्यू लेंगे वो प्लस माइनस टू भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फोर लेस देन इक्वल टू फोर, करेक्ट ही है दोनों में से कोई करेक्ट होना चाहिए, फोर लेस देन
इक्वल टू फोर, ये तो करेक्ट नहीं है। तो प्लस टू या माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो इससे जो सेट बनेगी यही पॉसिबिलिटी एक्स का बनेगा। जब एक्स इज इक्वल टू वन लोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, उसके लिए कोई भी इंटीजर्स का वैल्यू नहीं आएंगे। जब वाई इज इक्वल टू टू लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो सेट बनेंगे एक्स का वो प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन जीरो, समझ में आ गया। तो यही डोमेन इसका होगा, यस और नो, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू एक में जीरो ले लोगे, वाई का वैल्यू वन ले लोगे, वाई का वैल्यू टू ले लोगे, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू जीरो में तो ये सेट मिल जाएंगे, फिर वाई इक्वल टू वन जब पुट करोगे तो वहाँ एक्स का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी नहीं आएंगे जो कि इंटीजर्स होना चाहिए। वाई इक्वल टू टू एज्यूम करोगे तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। जब वाई इक्वल टू थ्री एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट करोगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई का वैल्यू थ्री रखोगे तो नाइन हो जाएगा, तो एक्स का वहाँ पे पॉसिबल वैल्यू होंगे ही नहीं कुछ भी। दैट मीन्स वाई का वैल्यू जो मैक्सिमम ले सकते हैं यहाँ पे टू ले सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और भी इसको समझ सकते हो, ये समझ में आ गया ना। अदरवाइज एक और इस तरह से बस सोचने के लिए सीखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स भी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स का कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लें लेकिन उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू फोर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो सकता है जब दोनों का वैल्यू जीरो होगा। तो इस तरह से कर सकते हो कि एक का वैल्यू फिक्स कर लें, इंटीजर ही लेना है एक्स एंड वाई, तो वहाँ पे फिक्स करके फाइंड आउट करोगे तो ये प्रोसेस जो होगा यहाँ से वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, ये ज़्यादा शॉर्टकट है, समझ में आ गया ना। हेलो हेलो, यस सर, ओके। अब एक और है इसमें ट्राई करना बनाने का, the number of elements in the set, the number of elements in the set a comma b such that a square plus b square is equal to 50 comma a and b belongs to Z। यहाँ भी क्या होगा, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, वेयर Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, इज कितने होंगे न्यूमेरिकल टाइप में, आंसर इसका बताना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर को वन एलिमेंट्स बोला जाता है, ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, वन ऑर्डर्ड पेयर वन एलिमेंट होगा। तो कितने इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और कितने एलिमेंट्स होगा, अंशुल
सर 12 12 नहीं, 12 तो नहीं होना चाहिए, एक बार चेक करो। आएंगे हेलो, कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी सर, बस 2 मिनट। ओके, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अक्षर बताओ बना? मिश्रा शुभम सर बन गया, बस 1 मिनट। क्षितिज हाँ सर बना रहे हैं। सर मेरा भी 12 आया है। सर 12 ही तो आंसर है। ओके चेक करता हूँ। ओके क्या क्या आया आंसर ये बताओ। इंटीजर्स में सब देखो, यहाँ पे 50 आना चाहिए, ए एंड बी क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सपोज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - b² तो b का इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं फर्स्ट में। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? ये तो पॉसिबिलिटी होंगे नहीं। अब b इज इक्वल टू सेकेंड, ये केस 1 था, केस 2 था, b इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - 1, दिस इज इक्वल टू 49। ए स्क्वायर यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा? 49। ए इज इक्वल टू +-7। तो यहाँ देखना, बी इज इक्वल टू 1 ले या बी इज इक्वल टू -1 ले, ए इज इक्वल टू क्या आएगा? +-7 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर करें, 1 ही होगा। दैट मीन्स यहाँ क्या आया? +-7 +-1, इस तरह से। और क्या पॉसिबिलिटी होंगे थर्ड में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - b². तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए इंटीजर इसको होने के लिए। सो बी स्क्वायर का अगर वैल्यू 1 ले लिए, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 50 - 4, वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा नहीं। बी इज इक्वल टू 3, खाली कि यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है, नहीं और भी पॉसिबल है। तो ऐसे चेक कर लेना है, बी इज इक्वल टू 3 भी लेंगे तो नहीं पॉसिबिलिटी होगा, 4 लेंगे 16, 50 - 16 कितना हो जाएगा? 34। 5 लेंगे तो देखो a स्क्वायर सर +5 और -5 दोनों में हो जाएगा। एक्जेक्टली, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, तो यहां से a का जो वैल्यू होगा +-5, इट मींस +-5 +-5 ये आएगा। अब इसके बाद सोचना है कि b का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो 36, 50 - 36 14, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 लेंगे
तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 7 का स्क्वायर, कितने आ गए हैं 1, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके सो यहां पे पॉसिबिलिटी कितने बने, प्लस माइनस 7 कॉमा सही आंसर है, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 7, कितने हो गए 12। हेलो सर मेरा तो 9 ही है। नहीं 12 होगा ना, देखो 12 होगा सर। हाँ एक बार क्या करना, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस 7 जो लिखे हैं और प्लस माइनस 1, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 माइनस 1, तो इस तरह से लिखे हैं, तो ईच वन में कितने आ जाएंगे, 4 पॉसिबिलिटी, 4 एलिमेंट्स मिलेंगे है ना, तो ईच वन के लिए 4, तो कितने होंगे 4 इंटू 3 12। गुड, ओके समझ में आ गया ना, इसमें कुछ पूछना है किसी को, तो ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो। अच्छा एक प्रॉब्लम और है, ट्राई करो, सोच करके बताना। इफ रिलेशन आर वन एंड आर टू फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर डिफाइंड एज आर वन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आर टू इज इक्वल टू 2, 1, 4, 3 and then 6, 5। Okay. Then number of elements in A cross B can be equal to first option 35, second option 53, third option 91 and last option 55। बताओ क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, ट्राई करो। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, आंसर 1 जी नहीं आया सर। क्षितिज सर ट्राई कर रहे हैं, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। आद्या सर बस एक मिनट,
सर हम एक स्टेप तक आकर फिर अटक गए, उसके आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। चलो बताओ आंसर क्या हो सकता है इसमें। सर वही तो नहीं निकल रहा है। कहां तक पहुंचे? सर मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा सर ए इंटू ए है। ए इंटू बी सेट ए एंड बी डिफाइंड है ना। सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस बी सर ए क्रॉस बी का वैल्यू सर मेरा आ रहा है सर एक हो जाएगा 2.2, एक हो जाएगा 12.12 और एक सर 30.30। बहुत मत है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ। ए क्रॉस बी तुमको फाइंड ही नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फॉर्मूला तुम बताया था ना। अगर एक में 5 एलिमेंट्स है, सेकेंड वाले में 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएगा इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 × 3 15 इस तरह से। ये सर नो 2, 5 and 6, 5. So, set A जो मिलेगा वो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा सेट A में आ जाएगा, तो 1, 3, 5। यहाँ से जो आएगा फर्स्ट एलिमेंट वो सेट A में आ जाएगा 2, 4, 6। सेट B का जो बनेगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट। ईच ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लेंगे एक साथ 2, 4, 6। यहाँ भी A to B ही डिफाइंड है, तो और ईच ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे 1, 3, 5 राइट। सो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखा जाए एन ए इज इक्वल टू हाउ मच 6, इसमें एन वी इज इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ के बाद ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए क्रॉस बी पूछा जाए तो एन ए इंटू एन बी। अब यहाँ पे समझना क्या कि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसके अलावा पॉसिबल और भी हैं 7, 8, 20, 25 इस तरह से भी दे सकते हैं। बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो होना ही चाहिए। यहाँ पे 100 भी दे सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं। मीन्स कंडीशन क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, उससे रिलेशन मिलना चाहिए, और ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ए क्रॉस बी करेंगे उसका सबसेट तो आ जाएगा ना। ये सब ये सर नो क्या होता है रिलेशन बेसिकली आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो इतने एलिमेंट्स ए में होना चाहिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स किस में होना चाहिए सेट बी में होना चाहिए। ये तो मिनिमम कंडीशन है, तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दे देगा। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, 10 और ऐड कर लो या 20 ऐड कर लो, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लो, बट मिनिमम इतना होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो आएगा एलिमेंट्स मिनिमम कितने आएंगे 6 × 6। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि इसमें 7 एलिमेंट ले लिए, इसमें 10 एलिमेंट्स ले लिए, बट मिनिमम 6 और 6 होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना कि 35 को जब ब्रेक करेंगे ऑप्शन वन में है 35, तो देखो दो नंबर्स में ये नेचुरल नंबर ही में ब्रेक होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इतने होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं।
यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करोगे तो 7 into 5 या 5 into 7, इसमें क्या आ गया है, एलिमेंट्स एक सेट में 5 आ रहा है, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए दोनों में, सो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 53, सो 53 प्राइम नंबर है तो 1 into 53 और 53 into 1, यहाँ देखो एक सेट में क्या हो गया, 1 एलिमेंट आ गया, तो ये पॉसिबल है नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कितना है, 91, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 into 13, तो देखो 6 के जगह पे यहाँ पे क्या है, 7 एलिमेंट्स हैं, एक ज़्यादा है, यहाँ पे मिनिमम 6 होना चाहिए तो 6 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ में 55 है, इसको ब्रेक करोगे तो 11 into 5, यहाँ देखो 5 एलिमेंट्स आ गया, मिनिमम कितना होना चाहिए, ईच वन में सेट ए एंड सेट बी में क्या होना चाहिए, 6 होना ही चाहिए, है ना, उसके अलावा और ज़्यादा हो सकता है, अगर उसमें ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया, तो ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस और नो, यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। तो डिफाइंड किया गया है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, डिफाइंड किया गया है, यहाँ देखा लिखा हुआ है सेट ए टू सेट बी, इट मींस जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट्स होगा, तो दोनों रिलेशन है जो ए टू बी ही डिफाइंड किया गया है, तो दोनों में से फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो सेट ए दे देगा, तो सेट ए बना लिए तो 1 2 3 4 5 6 मिले हैं। सेट बी, अब सेट बी देखेंगे तो क्या होगा, ईच ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लेंगे एक साथ, तो कलेक्ट किए यहाँ से तो 2 4 6 मिला, और सेकेंड वाले से कलेक्ट करेंगे तो 1 3 5 मिलेगा, तो उसको भी लिख लिया। अब ये तो पता हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जो आ रहा है यहाँ पे 6 पॉसिबल है, बी में 6 पॉसिबल है। अब पूछा जा रहा है कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैन बी, मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसमें से देखना है, तो यही बताएं कि मिनिमम दोनों में कितने हो सकते हैं, 6 एलिमेंट्स हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो सारे को क्या किए, 2 नेचुरल नंबर के फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, तो 7 into 5 आया, तो 7 into 5 आया, इट मीन्स एक में 7 एलिमेंट है सेट ए में, और सेट बी में क्या है, ऐसे कर सकते हैं ना, 35 = 7 जो ब्रेक किए हैं इंटू 5, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं और यहाँ पे 7, तो इसके लिए तो 7 सही है, बट यहाँ पे 5 आ गया, दोनों में कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट दोनों में 6 होना ही चाहिए, मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिमागी समझ में आ रहा है, यस सर। सारे ऑप्शन समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट, हाँ सर हो जाएगा ना, यहाँ देखो 7 into 13 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट वन, नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करना, है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन number of subsets of a and b is 120, then choose the correct option. First option, maximum number of elements A intersection B is equal to 3. B option, minimum number of A intersection B is equal to 0. C option, maximum number of elements in A union B is equal to 21.
डी ऑप्शन मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू सेवन. ट्राई करो सर. यूनियन इंटरसेक्शन तो भूल गए. यूनियन में ये मीनिंग समझना, जैसे ए सेट है 1 2 3 5 बी 1 2 7 राइट. सो ए यूनियन बी मीन्स क्या होगा, सारे जो एलिमेंट्स हैं कॉमन जो एलिमेंट्स आएगा उसको एक बार लिखना, मीन्स सारे को ऐड कर लो 1 2 सारे को कलेक्ट कर लो एक सेट में 1 2 3 5 1 2 7. अब इसके बाद क्या होगा, जो रिपीटेशन होगा उसको हटा देना. 1 रिपीट कर रहा है तो 1 को हटा देना, 2 रिपीट कर रहा है 2 को हटा देना, मीन्स फाइनली जो आएगा 1 2 3 5 7. समझ में आया? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक साथ ले आओ सारे को कलेक्ट कर लो. अगर रिपीट कोई भी कर रहा है तो उसको एक ही टाइम लिखना है. अगर दो भी टाइम हो सकता है 2-3 टाइम्स आ जाता तो दो जो आता 2 टाइम्स उसको हटा देते, सिंगल टाइम ही रखना है ना. ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे. कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 है, इट मीन्स ये कॉमन एलिमेंट्स. वन कॉमा टू मीनिंग समझ में आया? यस सर. ट्राई करो, सोचो एक बार क्या हो सकता है. बताओ. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी इज 120. सो नंबर ऑफ सबसेट्स सर. सर एम और एन का वैल्यू तो आ गया. क्या आया? एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू द क्वेश्चन 2 टू द पावर क्या है, m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 120. सो यहां से ऑब्जर्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 है ना माइनस 2 टू द पावर, ये देखना पड़ेगा. अगर नहीं भी देखोगे तो बन जाएगा, बताता हूं 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा. यस और नो? यही ना, 2 टू द पावर 7 ये कितना होता है 128 और ये 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा तो 120 आएगा. अगर इस तरह से नहीं सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया है ना, प्रॉब्लम नहीं ना. दिस इज इक्वल टू 120 को फैक्टराइज कर दो, 60 फैक्टराइज करोगे फिर से 30 फिर से लिखोगे 15 राइट. सो ये 15 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 15 राइट. अब यहाँ पे लिख सकते हो 2 टू द पावर n और ये हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस n राइट माइनस 1
एक्सपोनेंट का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा, 2 to the power 3 into 15। देखो ये होगा इवन नंबर माइनस वन ऑड नंबर, तो ये 15 के इक्वल हो जाएंगे। और ये 2 to the power n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, इट मीन्स n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, यहाँ से m और n निकल गया बट उसके आगे समझ नहीं आ रहा है। 2 to the power m minus n is equal to 16, so m minus n is equal to 4, यहाँ से m is equal to कितना आ जाएगा 7, अब चेक करना है कि एलिमेंट्स जो आएंगे a में इस तरह से कर दो, क्या हो जाएगा a1, a2, a3, a4, a7 तक, and b में जो आएगा B1, B2, B3। ऑप्शन में जो पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सर 3 ए इंटरसेक्शन बी सर 3 है ना, ये सही हो सकता है, होगा ना, क्योंकि बी में क्या है 3 एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम जो इंटरसेक्शन आएंगे वो 3 ही होंगे। Yes or no? सर सर लेकिन ये कैसे पता कि ए में जो एलिमेंट है बी में वो 3 एलिमेंट ए के एलिमेंट के बराबर होगा? लेकिन यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम, हो सकता है कि नहीं, हम सेम एलिमेंट दे दिए तो मैक्सिमम तो इससे ज्यादा नहीं होगा, इसे मैक्सिमम अगर मिनिमम तो 0 ही हो जाएगा ना। यस सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें होना चाहिए था, नहीं तो एमसीक्यू में रहेगा मोर देन वन आंसर में, है ना, क्योंकि देखो मिनिमम 0 पॉसिबल है ना, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, इनकरेक्ट ऑप्शन ही होगा, तो देखो ये भी सही हो जाएगा। ये सुनो, यस सर, यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी 7 हो सकता है मिनिमम, नो सर नहीं हो सकता है, मिनिमम होने के लिए क्या करेंगे, अरे भगवान, इसमें ले लिए ए में ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बी में ले लिए, मिनिमम फाइंड करना, तो 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों कॉमन ले लिए, तो ए यूनियन बी, इसमें नंबर देख रहे हैं कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी ये वाले देख रहे हैं 5, 6, 7 नंबर ऑफ मिनिमम देख रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू 7 ही आया, यस और नो मिनिमम के केस में, और मैक्सिमम के केस में इसको क्या ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे 8, 9, 10 ले लेंगे, तो उसके केस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अध्याय यस ये है या नहीं, तो ये भी करेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट, तो यही ऑप्शन आ जाता है। समझ में आया मैक्सिमम कितना हो सकता है ए यूनियन बी 10 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे मैक्सिमम अगर केस फाइंड करते हैं तो 1, 2, 3 के जगह पे 7, 8, 9, 10 ले लेंगे, तो इसके में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो उसमें उसके केस में कितने हो जाएंगे 7 + 3 = 10। क्लियर है या नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है सर? क्लियर है। अब देखो प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए कंडीशन फॉर एक मिनट रिफ्लेक्सिव क्या बताए थे इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर चेक करना है तब ए कॉमा ए के लिए क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए given condition
इक्वेशन में होगा वो गिवन कंडीशन को a कॉमा a के लिए डिफाइन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू गिवन सेट। यस और नो, समझ में आया? मींस एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, जो सेट a में या जो भी डिफाइन किया जाएगा वहां पे सेट, उसके ईच एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट उसका जो एलिमेंट्स लेना है वो a कॉमा a के टर्म्स में लेना है, है ना। सपोज एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया, बोला गया कि a कॉमा b, राइट, सच दैट 1 प्लस ab ग्रेटर देन 0 वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इस तरह से क्या हुआ कि डिफाइंड कर दिया गया, इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, राइट। तो क्या बताएं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r मींस a एंड b का वैल्यू क्या हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, ऑल रियल पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब क्या बोले, कंडीशन अगर इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, है ना, रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन इसमें जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ए कॉमा ए के लिए। इस तरह से हम लोग ले लिए एक ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट्स लिए हैं जो क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर से। तो इसमें आप कंडीशन में पुट करेंगे 1 प्लस ए इंटू ए, अब इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। अब देखो कोई भी रियल नंबर लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, इट मींस ये करेक्ट है, ग्रेटर देन 0 है, ये बिलोंग्स टू आर के लिए। समझ में आ गया? हेलो बोलिए। यस सर, समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है। सेकंड बताए थे सिमेट्रिक के लिए, इसमें चेक करना रहेगा था। सिमेट्रिक रिलेशन को अगर वेरीफाई करना है या तुमको पूछा जाए कि गिवन जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे कि एक x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर लेंगे, है ना, एंड वाई कॉमा एक x लेंगे, और दोनों के लिए क्या होना चाहिए, फॉर बोथ, और जो x कॉमा वाई आएगा वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स गिवन सेट से ही होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर बोलेगा तो वो नेचुरल नंबर ही पॉसिबल होंगे, रियल नंबर बोलेगा तो रियल नंबर, इंटीजर्स बोलेंगे तो इंटीजर्स पॉसिबल होंगे। वो एक डिफाइंड कर देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स रख दिया गया तो उसी में से लिया जाएगा। अरे बात समझ में, फॉर बोथ गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इन क्वेश्चन शुड बी मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्या मस्ट लिख लो, थोड़ा स्लो नहीं ना लिखा रहा है तुम्हें की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है? हेलो मस्ट बी जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, इस तरह से साइन कंडीशन दे दिया गया है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन, है ना। यहाँ पे दिया रहेगा आर एक डिफाइंड कर दिया गया है थीटा फाई सच दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, थीटा एंड जो फाई होगा बिलोंग्स टू आर, राइट। इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहले थीटा फाई लिखा गया है, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इट मीन्स थीटा और फाई के लिए कंडीशन गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है कंडीशन की, ये करेक्ट ही है, जो दिया हुआ है कंडीशन उसको करेक्ट ही मानना है, अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना है ना।
बिकॉज ये आइडेंटिटी अगर सोचोगे तो cos square theta plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होना चाहिए, बट यहाँ गिवन कंडीशन इसी तरह से है तो उसको एज्यूम कर लेना है कि ये करेक्ट है, देन ये क्या होना चाहिए थीटा और चेंज कर देना है, जस्ट इंटरचेंज कर देना है ना एलिमेंट जो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में उसको, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए करेंगे तो कंडीशन आना चाहिए क्या, साइन स्क्वायर बोलो फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुमको प्रूव करके देखना पड़ेगा इज इक्वल टू वन होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या बताए थे सर, चेंज कर देंगे exactly. एक को कॉस में, एक को साइन में, ये प्रूफ करना है ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे प्लस यहाँ पे वन वन माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसमें वेरी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, इट मीन्स ये करेक्ट है फॉर थीटा और फाई बिलोंग्स टू आर के लिए, करेक्ट ना। हेलो या सपोज क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन जहां पे आया मीन्स एक भी तुम एलिमेंट्स ऐसा फाइंड आउट करने में सफल रहे हैं जिसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा है ना। अगर फेल कर गया एक भी के लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं वो नहीं होगा है ना। समझ में आ रहा है, हेलो ये सब नो, यस सर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे उसको भी देख लो, जस्ट एक ट्रांजिटिव के लिए बताओ आते हैं सर, अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है तो ए रिलेशन सी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। Exactly. तो हम लोग क्या करना है ट्रांजिटिव को प्रूफ करने के लिए हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट मींस इस तरह से एलिमेंट लेना है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए रिलेशन मींस कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए मींस वो करेक्ट ना हो, सो हमेशा इसके केस में उल्टा ही सोचना है कि कौन सा एलिमेंट सर्च करें कि या फाइंड आउट करें गिवन सेट में से कि जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं करे। सपोज कंडीशन गिवन है तो ए कॉमा ए बी ऑर्डर्ड पेयर लेना है राइट, एंड बी कॉमा सी एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है, इस तरह से लेना है कि ध्यान रहे कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन अगर इस दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इफ सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन फॉर दिस देन ये क्या करना चाहिए, ए कॉमा सी के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर ए कॉमा सी, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो हमेशा इस तरह से ढूंढना है कि गिवन सेट में से ऐसे पेयर बनाना है जिसके लिए सेटिस्फाई ना करे, अगर ऐसे सारे के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो नाउ एक प्रॉब्लम देते हैं, ट्राई करो बनाने का, चेक करके बताना है ना। हेलो हेलो इसके लिए yes, हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया हूँ फिर भी दो प्रॉब्लम दूंगा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देन आर इज इक्वल टू
a comma b such that 1 plus ab greater than 0, right? On s is ऑप्शन दे देता हूँ. ये तो पता है कि अभी जस्ट प्रूफ किए थे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सेकेंड ऑप्शन रिफ्लेक्सिव symmetric but not transitive. Try karo to. Third option reflexive transitive but not symmetric. Reflexive transitive but not symmetric, right? D option, none of these. जल्दी से बताओ क्या होगा. सर सर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव. अच्छा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही. सिमेट्रिक में क्या करोगे, ए कॉमा बी को ए कॉमा बी रखो या बी कॉमा ए रखो, बेसिकली यही कंडीशन आएगा. तो वो तो सिमेट्रिक हो जाएगा. ट्रांजिटिव में क्या किए, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया था. सिमेट्रिक में अगर देखोगे मैट्रिक में सपोज ऑर्डर्ड पेयर ले लिए ए कॉमा बी, तो इसके लिए कंडीशन जो दिया हुआ है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, इस पे ज़ूम करके चलना है कि ये करेक्ट है. तो बी कॉमा ए लिए, है ना, तो 1 प्लस पहले बी रखेंगे फिर ए रखेंगे, तो ये बेसिकली इसी को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस ए बी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना. तो फर्स्ट में ये दिया हुआ है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ऐसे लेकर के चलना है कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव ही आए. रियल नंबर में से ए एंड बी इस तरह से करना है. तो ये सब समझ में आ गया, ये सिमेट्रिक ही होगा. ट्रांजिटिव के लिए क्या किया अध्याय सर, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है. हाँ. और 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 है, तो हम देखेंगे कि 1 प्लस ए इनटू ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं. वन प्लस ए इंटू ए वैसे होगा, ए और बी है जो बिलोंग्स कर रहा है किसको, रियल नंबर को, यही ना. तो क्या करना है, दो ऐसे एलिमेंट्स इसमें सिलेक्ट करना है. सपोज उसके लिए यहाँ पे मान लो कि ए कॉमा बी सपोज करना है, है ना. दो एलिमेंट्स ऐसे लिए हैं कि 1 प्लस ए भी पॉजिटिव आना चाहिए. तो बताओ क्या एलिमेंट्स ले यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट करना, जस्ट रिवर्स में सोचना है. माइनस 1 और 1 बाई 2 ले सकते हैं. देखो तो पुट करके आ रहा है. हेलो
करके इसमें देखो आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव, सर आ रहा है। वन प्लस माइनस वन इंटू वन बाई टू, ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाई टू ग्रेटर देन जीरो। अब देखो सेकेंड बी कॉमा सी, ठीक है, तो बी में फिक्स कर देते हैं वन बाई टू और सी में कर देते हैं फाइव, राइट, बहुत सिंपल सिंपल एकदम, ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस ए बी इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ये सुनो, तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं गिवन कंडीशन, इट मीन्स ए कॉमा सी के लिए, ए कॉमा सी में जो वैल्यू होगा वो क्या ले लेंगे जी, बोलो, माइनस वन कॉमा फाइव, यस सर, इसके लिए वन प्लस माइनस वन आई इंटू फाइव, ये निगेटिव दे रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, तुमको वेरीफाई करना ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, गिवन रिलेशन नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वन अब आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन सॉरी सेकंड, समझ में आया सबको या नहीं, हेलो ये सब नो बोलो मांगे, यस सर, समझ में आ गया क्षितिज, अच्छा अच्छा एक प्रॉब्लम लास्ट बनाओ ट्राई करना, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा केयरफुली, बहुत इजी है, बट सोचो देखो बहुत इजी है, लेट लिखो, लेट डब्ल्यू डिनोट्स द वर्ड्स, in the English dictionary, in the English dictionary, if the relation R is given by, if the relation R is given by R is equal to x comma y belongs to W cross W, right? W cross W such that, यहाँ देखो condition दे दिया गया है, the word x and y have at least yahan pe at least likha hua hai, at least one letter in common, R is. Okay, बताओ क्या होगा, थोड़ा स्लो हो गया है, बताना है कि रिफ्लेक्सिव होना होगा कि नहीं, इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सेकेंड बताना है सिमेट्रिक होगा कि नहीं, थर्ड में ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, सर सिमेट्रिक तो होगा, ये लास्ट है, नेक्स्ट क्लास सर सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि सर वन लेटर कॉमन है, ओके हाँ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव हाँ सर हर लेटर कॉमन है तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली, एक एटलीस्ट दिया हुआ है वहां पे कि वन लेटर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो सारे लेटर्स भी कॉमन हो सकते हैं, है ना, कंडीशन एक ही लेटर सफिशियंट है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए बताओ, सर
इसका ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए सर, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी वर्ड ले ले, ए ए ए, ठीक है, इसमें भी ए ए, थ्री लेटर्स का वर्ड है, कॉमन है, ऑल लेटर्स कॉमन आ जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा कोई ऐसा लेटर बताओ मीनिंग, ये तो मीनिंगलेस टाइप का आ जाएगा, इवन मीनिंग वाले में भी ऐसे हो जाएंगे। अच्छा ये डिक्शनरी में बोला गया है, सॉरी, सो बताओ क्या होगा, डिक्शनरी में बोलोगे तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, क्या क्या आ जाएंगे, ऐसा बताओ कि दोनों कॉमन हो, बोलो। सोच करके तो लगेगा, कोई ऐसा वर्ड बताओ, सर टॉप और पॉट। ओके, दोनों लेटर इसमें क्या है, आर कंडीशन जो दिया हुआ है एटलीस्ट वन कॉमन होना चाहिए, ठीक ना, तो इस तरह से भी ले सकते हो, एटलीस्ट वन कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये तो सेम आ जाएंगे ना, टॉप लोगे तो टॉप टॉप ही आ जाएगा, सेम लेटर दोनों में। नहीं समझ में आए, यहाँ पे इस तरह से नहीं भी एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम करना है तो सिंपली क्या करना है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो कंडीशन देख लेना, द वर्ड एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, तो रिफ्लेक्सिव में एक ले लिए यू एंड एक टॉप, यहाँ पे देखो, सॉरी दोनों लेटर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो दोनों सेम होना चाहिए ना, जैसे यू लिए तो यू ले लिए, राइट, यहाँ पे क्या है एटलीस्ट वन का कंडीशन दिया हुआ है, इसमें ऑल लेटर्स कॉमन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में अगर टॉप लिए और एक क्या ले सकते हो, हाँ यू ले लिए, राइट, फिर यू फर्स्ट में रखें एंड टॉप सेकंड में रखें, तो देखो यहाँ पे एक लेटर कॉमन है, जस्ट उसको रिवर्स भी करेंगे तो एक लेटर कॉमन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जस्ट रिवर्स करना ना, यहाँ कंडीशन में एक लेटर कॉमन तो लेना ही है, उसको रिवर्स भी कर देंगे मीन्स एक्सचेंज कर देंगे पोजीशन को, तो वो एक लेटर तो कॉमन रह जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा ही। अब ट्रांजिटिव में देखना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इस तरह से लेना है कि क्या हो जाए, ट्रांजिटिव नहीं हो तो क्या हो, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, बताओ, हेलो, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, देखो जैसे एक चलो वाई और यू ले लिए, राइट, सेकेंड टी ओ उसके बाद टी ओ पी ले लिए, राइट, अब यहाँ पे एक लेटर ले लिए यू पी ले लिए, ध्यान देना इसमें एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन, यहाँ पे ओ कॉमन है तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, ये ए हो गया बी, बी देखो दोनों सेम लिए हैं, इट मीन्स वाई ओ यू और यू पी के लिए आ रहा है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ऐड कर लिए तो ध्यान देना, यहाँ पे टी कॉमन है तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन देखो पी कॉमन है तो पी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन, तो क्या एट और आप के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ना, तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सोचना है इसमें, तो देखो इसमें कोई भी
कॉमन लेटर नहीं है दोनों में, इट मींस इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया ना, ऐसा लेटर तुमको सोचना है ना। हेलो, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो दिख जाएगा। समझ में आया ये? हेलो सर, एक बार रिफ्लेक्सिव वाला बता सकते हैं? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन बताया यही, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फिक्स होना चाहिए। तो अगर इस तरह से ऑर्डर पेयर है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा लिया जाता है ए कॉमा ए के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट लेना चाहिए। तो सेम एलिमेंट लोगे, इट मीन्स अगर यू ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यू ही नहीं आ जाएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड ले रहे हैं, तो देखो एटलीस्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वर्ड एक्स कॉमा वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन। अगर वन लेटर कॉमन है तो क्या हो रहा था, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या है कि वन लेटर कोई भी कॉमन हो रहा है, इवन थ्री लेटर्स, इसमें थ्री लेटर्स का वर्ड लिए तो थ्री लेटर्स भी कॉमन आ जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एटलीस्ट वन तो है। ये सर नो, तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर, जस्ट चेंज कर देना है। तो अगर इस तरह से टॉप और यू लिखे हो, एक लेटर कॉमन है, इसको चेंज भी करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन ही रह जाएगा, है ना। ट्रांजिटिव वाला क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। ट्रांजिटिव में इस तरह से हमेशा क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्ट रिवर्स ऑर्डर में सोचना है कि नहीं ही होना चाहिए। क्या हम लोग ऐसा सिलेक्ट करें कि नहीं, उसको प्रूफ कर दें कि ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ले लिए ए टी एट और यहाँ पे टॉप, तो यहाँ पे कॉमन था तो गिवन कंडीशन को इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा था। अब ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो बी को फिक्स करनी है टॉप को और यहाँ पे आप ले लिए, बी दोनों में कॉमन था, राइट। सो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चला जाएगा, एट आ जाएगा और यहाँ पे आप, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं तो कॉमन लेटर कुछ भी नहीं आया, तो इसके लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है ना? हेलो सर। हाँ सर, वो लास्ट क्वेश्चन एक सेकंड दिखाइए ना, अभी जो, हाँ वो लेटर, लेटर वाला सर, इसमें ट्रांजिटिव में सर जैसे टॉप लिए और अप लिए, तो पी और पी तो मैच नहीं किया, वो तो तब करेगा ना जब टॉप और पी यू लेंगे, लेकिन पी यू तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में। कहाँ पे ये लेटर नहीं लिया हो ना, लेटर जो कंसीडर वो डिक्शनरी में बनना चाहिए, ये सब नहीं लिया। अच्छा ये नहीं बन रहा, वाई ओ यू, यू है ना। हेलो सर, हम उसका बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव में, टॉप और अप का। अप मींस नहीं होता कुछ वर्ड सर, लेकिन वो पी पी कॉमन होना चाहिए ना, इसमें कॉमन होना, एक लेटर कॉमन होना चाहिए, इसमें तो कॉमन आ ही जा रहा है ना, उससे मतलब नहीं है। एक लेटर यहाँ पे कॉमन है ना, दो वर्ड बन रहे हैं उसमें एक लेटर कॉमन है, कंडीशन तो यही दिखाना था ना, इसके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए और इसके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सा कॉमन होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, एक लेटर कॉमन होना चाहिए। एट और टॉप में टी कॉमन है, टॉप और अप में टी कॉमन है ना, इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए कॉमा सी बन रहा है उसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मींस वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कहाँ प्रॉब्लम है बताओ तो? नहीं सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, ओके। सो यस, तो प्रॉब्लम लिखवा देता हूँ, ट्राई करना बनाने का, वो चेक करना है वही सेम रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो ध्यान देना, तुमको हिमांगी समझ में आया जी? हाँ सर, बस ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। टाइम द रिलेशन आर गिवन वाई एक्स कॉमा वाई सच दैट x square minus 3x y plus 2
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर राइट। इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सेकेंड सिमेट्रिक होगा कि नहीं, थर्ड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये चेक करना है। आंसर बता दूं क्या? ये बना करके आना और देखता हूँ इसके बाद मैक्सिमम प्रॉब्लम तो बता ही नहीं हो। चलो इतना करना, ये बना करके आना, इसका आंसर बता दो। ऐसा पीडीएफ एक तुम लोग को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करूँगा, कुछ पूछना है सर? सर इक्विवेलेंस रिलेशन तो पढ़ ले, लेकिन इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है? वो इक्विवेलेंस क्लासेस भी पढ़ना है, नहीं वो सिलेबस में तो नहीं होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा अगर वैसा रहा तो, ठीक है? वो भी बहुत सिंपल ही होता है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, करके आना, नहीं तो अगर वो रहा तो वो इक्विवेलेंस क्लासेस बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज फंक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? चलो तो एंड करें, पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी। बाय बाय।